नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टाइम्स ऑफ फ्रेंड्स के अंदर। और ये मेरे स्पोर्ट्स न्यूज़ का हैश टू यानी सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके चार्ज नहीं लगते हैं, मैं बहुत बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब करने के लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो पहले स्पोर्ट्स न्यूज़ तारीख क्रिकेट की तरफ से कि कल क्रिकेट में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो कल पहला दिन था, इंग्लैंड के कल ऑलराउंडर प्लेयर बेन स्टोक्स ने शानदार शतक मारा, पर फिर भी इंग्लैंड की पूरी टीम 258 के निजी स्कोर में ऑल आउट हो गई है। देखने की बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों का बहुत बड़ा योगदान रहा कल के टेस्ट मैच में पहले दिन दोस्तों। दूसरे स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें, दूसरे स्पोर्ट्स न्यूज़ आ रही है कबड्डी की तरफ से। कबड्डी में कल दो मैचेस थे, पहला मैच पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स जो कि बहुत ही रोमांचक मैच था, लेकिन बाद में 36-36 के समान स्कोर पर यानी इक्वल स्कोर पर ड्रॉ हुआ। दूसरा न्यूज़ है कबड्डी का, कल जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 39-36 से करारी शिकस्त दी दोस्तों। तीसरी स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें, तीसरी स्पोर्ट्स न्यूज़ आ रही है बैडमिंटन की तरफ से कि कल बैडमिंटन में जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 चल रहा है उसके अंदर भारत हमारे देश यानी भारत की दो महान बेटियां साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों ही सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। तो हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप सेमीफाइनल पहुंची और ये छोटी उपलब्धि नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स न्यूज़ बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्पोर्ट्स की न्यूज़ पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई इस न्यूज़ से कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब तो भूलना ही मत। तो चलिए दोस्तों अलविदा और कहते रहिए भारत माता की जय।